तो चलिए करते हैं शुरुआत कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में हम जानते हैं कंप्यूटर क्या है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका काम क्या होता है इनपुट लेना प्रोसेस करना और आउटपुट दे देना ये जो है एक बेसिक डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की कोई भी डिवाइस अगर कोई भी डेटा लेता है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है प्रोसेसिंग का मतलब है उसमें जमा घटा घुना भाग या कंपेयर करने वाली कोई भी चीज़ करता है और कैलकुलेशन करके जो आउटपुट है वो यूज़र को शो कर देता है तो वो सारे क्या आते हैं एक मशीन कहलाते हैं तो उसके बारे में फिर आपसे पूछा जाएगा कि फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर क्या है कि इनपुट लेता है स्टोर करता है प्रोसेस करता है और आउटपुट जनरेट करता है और ये सारा काम क्या करता है वो कंप्यूटर करता है तो बेसिक से जब आपसे कहीं पर भी ये चीज़ है कुछ ऐसा डायग्राम बना के दिखा दे और ऊपर वो ब्लैंक छोड़ दे तो आप ये समझ लीजिए वो कंप्यूटर है जो सारा मेन कंसर्न होता है वो इस प्रोसेसिंग के ऊपर आता है फिर उसके बाद डेफिनेशन आ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डिवाइस हम सारे जानते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस है क्या करेगा जो डेटा लिया है उसको स्टोर करेगा प्रोसेस करेगा और जनरेट आउटपुट करा देगा फिर अगला क्वेश्चन पूछा लिया जाता है एग्जाम्स में वो उसकी एडवांटेजेस में से दिखा देते हैं कि कुछ एक पॉइंट होंगे उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर या या विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर तो उस टाइम पर आप ये कर सकते हो कि कंप्यूटर की एडवांटेजेज हैं हाई स्पीड एक्यूरेसी स्टोरेज कैपेबिलिटी डेलीगेंसी का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये टायर्ड नहीं होता है वर्सटैलिटी बहुत सारे काम करता है रिलायबिलिटी जो भी ये कैलकुलेशन करेगा वो एग्जैक्ट होंगी गलती नहीं होगी ऑटोमेशन खुद से काम कर सकता है पेपर वर्क रिड्यूस कर सकता है रिडक्शन इन कोस्ट कर सकता है फिर ऐसे ही आपका क्वेश्चन बनता है वो डिसएडवांटेज के बारे में बन सकता है कि कौन सी कंप्यूटर की डिसएडवांटेज है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर तो उसके अंदर आपने जो है अपना ब्रेन स्ट्रामिंग यूज़ करनी है बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं एंड आई होप आप कर लोगे फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर किस किस सेक्टर में हो जाती हैं वो सारी चीज़ें आप कुछ भी लिख दोगे उसमें से ये चांसेस बहुत कम होता है रेयर टू रेयर अगर ईजीएसट टू ईजीस्ट पेपर आ गया तो उसके अंदर ये वाली चीज़ आ जाती है फिर जो एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो वो नेट हो एच टेट हो टी जी टी हो पी जी टी हो क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं कंटेंट वाइज हमें पूरे करने होते हैं और जो सबसे पहला कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन बनता है वो उसकी जनरेशन से उठता है हमेशा ईजी है जनरेशन में आपको याद रखना है कितनी जनरेशन है इंटेल वाले ऐड में छः बता रहे हैं बट अभी बुक की अगर बात करोगे जहाँ से क्वेश्चन उठ रहे हैं वहाँ पाँच है तो आपको पाँच ही करके लेके चलने अगर सिक्स लगा दोगे तो आंसर चांसेस है गलत हो जाए फिर उसको ठीक कराने के लिए आपने केस करना पड़ेगा बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा फिर उसके अंदर करवाओगे या नहीं करवाओगे फिर आप केस लड़ोगे या नहीं लड़ोगे वो वाली सारी बातें आ जाती हैं तो अभी तक आपने याद रखना है कि फिफ्थ जनरेशन तक जो है वो बुक में चल रहा है चाहे वो एन हो या कोई भी टीचिंग लेवल की बुक हो उसमें पाँच तक चल रहा है और आपको पाँच तक याद रखनी है सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है फर्स्ट जनरेशन में ये आ जाता है कि पहले किसके ऊपर थी तो वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस थी कब से कब तक थी वो आपके सामने हाईलाइट है इन चीज़ों को नोट कर लीजिए ध्यान से इसी सिंपल सा क्वेश्चन है बट अगर इसी में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना होगा तो वो क्या करेंगे इसमें से ईयर दे, दे देंगे आपको कि आइडेंटिफाई विच ईयर टू विच ईयर अगर इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करके देना हो अगर इजी करके देना होगा तो ईजी करने में सिर्फ यही आएगा कि पहली में वैक्यूम थी दूसरे में ट्रांजिस्टर तीसरे में इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी कहते हैं चौथे में वी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गई थी और फिफ्थ में जो है हमारी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगी और माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे वो आ गए फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं इजी क्वेश्चन है एच कैट में पूछा गया था ये जो अभी हरियाणा का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और चांसेस हैं कि जो राजस्थान में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन ना जाए क्योंकि राजस्थान में जो है वो कंप्यूटर जो है हिंदी में पढ़ रहे हैं लंबे टाइम से पढ़ रहा है और रिक्रूटमेंट में एक क्वेश्चन आना तो एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा ये आएगा फिर उसके बाद कौन कौन से हो जाते हैं पर्सनल कंप्यूटर जो घर पे यूज़ करते हैं वर्क स्टेशन हो जाता है जो आप किसी स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हो किसी कंपनी में जाके मान लो आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या मूवी बनानी है या ग्राफिक एडिटर हो तो उसके अंदर हाई एंड मशीन होगी जिसको वर्क स्टेशन बोल देते हैं मिनी कंप्यूटर क्या हो जाता है जैसे आपका छोटा सा सर्वर बना देते हो आप उसको मिनी कंप्यूटर कह देते हैं पहले तो इसके लिए अलग से कंप्यूटर आता था अब तो क्या होता है जैसे सिक्सटीन जी बी रैम आ गई हमारी तो सेम सिस्टम जो है वो लगा देते हैं और वही जो है दस पंद्रह कंप्यूटर को हैंडल कर लेता है मिनी कंप्यूटर फिर आते थे मेन फ्रेम मेन फ्रेम पहले यूज़ होते थे अब ये जो है वो सारे विलुप्त हो चुके हैं फिर बाद में आते सुपर कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर के बारे में आप सारे जानते हो कि इसकी प्रोसेसिंग जो पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी कोर सारी चीज़ें जो हैं वो सुपर कंप्यूटर के अंदर मिलती हैं फिर उसके बाद जो बेसिक यूनिट थी वही के कंप्यूटर करता क्या है रॉ डेटा लेता है डेटा स्टोरेज होता है प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट होती है तो यहाँ पर जितने भी हैं फिर उसके बाद कंट्रोल द वर्क फ्लो है वो इंटरनेट से लेके जोड़ सकते हैं हम यहाँ पर जो भी स्टेप बताए हुए हैं ये आपका इनपुट डिवाइस डेटा स्टोरेज प्रोसेसिंग डेटा आउटपुट इंफॉर्मेशन हर एक के लिए कंप्यूटर में अलग अलग डिवाइसेस लगता है आप बी टेक लेवल हैं एम टेक लेवल हैं या एम सी एवल हैं आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं ये आपको सारी चीज़ें पता है बहुत अच्छे से पता है बट एग्ज़ाम के अंदर क्या याद रखना है वो मेन चीज़ें होती हैं चांसेस कम है कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाए बट जैसे ही अगर आप एग्ज़ाम देने बैठते हो तो कई बार हमारे इजी क्वेश्चन भी जो हैं वो गलत हो जाते हैं तो उस चीज़ के ऊपर आपने समझना होगा हल्के से ध्यान देना होगा एक बार देना है फिर उसके बाद इसमें से पूछा जाता है आपको इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट का मतलब है जिस भी डिवाइस से कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन आ सकती हैं, वो सारे क्या होगी इनपुट डिवाइस उसके अंदर जैसे मैं कीबोर्ड का बटन दबाऊंगा काम होता दिखेगा माउस दबाऊंगा काम होता दिखेगा उसके बाद अगर जॉयस्टिक से गेम खेलूंगा काम होता दिखेगा माइक्रोफोन से बोल रहा हूं मैं वो दिख रहा है वो इनपुट डिवाइस है फिर उसके बाद कोई भी अगर मैं स्कैन करता हूं तो वो इनपुट डिवाइस है कैमरा से रिकॉर्डिंग हो रही है इनपुट डिवाइस है वेब कैम है इनपुट डिवाइस है तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से समझनी है जिस भी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर के अंदर डेटा जा रहा है वो सारी चीजें इनपुट डिवाइसेस में उसमें बार कोड रीडर कर दो आपका एम आर कर दो तो ये सारे किस में आ जाएंगे इनपुट में आ जाएंगे फिर आपका क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सी बोला जाता है सी पी एक अकेले डिवाइस नहीं होता है कई बार आप ये समझ जाते हैं जो मेरा प्रोसेसर है सिर्फ वही सी होता है वो सी नहीं होता है जो आपका पूरा मदरबोर्ड का जो पार्ट बनता है उसको जो है सी बोला जाता है उसके अंदर क्या आ जाता है इसका मेमोरी यूनिट भी आ जाता है हार्ड डिस्क जो है वो अलग लगी हुई है रैम रोम जितना भी है मदरबोर्ड प्रोसेसर और उसके ऊपर सी जो फैन लगा वो सारा मिलकर जो है एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाएंगे फिर उसके बाद आउटपुट यूनिट है वो यूनिट जिसके थ्रू कंप्यूटर पे हुआ काम जब उसने प्रोसेसिंग कर ली है तो उसके बाद अगर रिजल्ट मेरे को दिखना है तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर दिखेंगी वो होगा हमारा आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई सबसे पहले आपका प्रिंटर आ गया मोनिटर आ गया ये दो होते हैं कॉमन फिर उसके बाद कई बार कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं उसके अंदर जो क्या आ गया आपके स्पीकर आ गए अब जैसे मैंने हेडफोन लगाए हुए हैं ये स्पीकर हैं तो ये भी क्या है एक आउटपुट डिवाइस है अगर मैं कोई गाना कंप्यूटर के अंदर बजाऊंगा मेरे को हेडफोन में सुनेगा तो वो क्या हो गया आउटपुट डिवाइसेस हो गया फिर उसके साथ साथ एक अलग से चीज़ यूज़ की जाती है वो होती है प्लोटर प्लोटर आपको नहीं पता बट जो फ्लैक्स के साथ जिसने काम किया है फ्लैक्स जो होते हैं जैसे आजकल हर एक शॉप के ऊपर जो हो प्रिंटिंग में लगा देते हैं पेपर के ऊपर तो उसको फ्लैक्स बोला जाता है तो प्लॉटर क्या होता है एक बहुत बड़ा डिवाइस होता है जो प्रिंटिंग करता है उसको क्या कह देते हैं हम प्लॉटर कह देते हैं तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करेगी फिर उसके बाद जो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रोसेसर के पार्ट पूछे जाते हैं प्रोसेसर में क्या होता है सी में जो तीन यूनिट हो जाती हैं कई बार किसी में मिसमैच कर दे देते हैं तो इसी में अंदर वो बोल देते हैं कि यह यूनिट कहाँ होती है एक क्वेश्चन इससे भी बन जाता है मेमोरी यूनिट हो जाता है कंट्रोल यूनिट हो जाता है ए एल हो जाता है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है फिर उसके बाद कई को अगर आपको हार्डवेयर का एक्सपीरियंस नहीं है कंप्यूटर हार्डवेयर का एक्सपीरियंस नहीं है और कैशे मेमोरी है जो बहुत बार यूज़ होती है उनको अब तक ये पता नहीं होता कि कैसे मेमोरी दिखती कैसे है तो कैश मेमोरी जो होती है आपकी वो विद इन द सी होती है अगर आप कोई भी कंप्यूटर लेने जाओगे इंटेल के कोई भी प्रोसेसर होगे, गए ए के कोई भी प्रोसेसर के बारे में अगर आप देखोगे ना तो उसके ऊपर लिखा होता है एल थ्री कैसे एल टू कैसे छः जी बी का आठ जी सॉरी छः एम का कैशे है या आठ एम का कैसे है तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी होती हैं तो वो कैसे जो होता है सीपीयू के अंदर होता है फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछ लिया जाता है कि कोर का मतलब क्या होता है कोर का मतलब ये हो गया जैसे क्वाड कोर हो जाता है ओक्टा कोर हो जाता है डेका कोर प्रोसेसर भी आ रहे हैं तो वो जब आ जाती है जिसको हार्डवेयर की नॉलेज नहीं है तो वो ये सोच लेता है कि डेका कोर का मतलब है दस तरह के प्रोसेसर लगे होंगे वहाँ पर दस तरह के प्रोसेसर का मतलब नहीं है अगर मल्टी कोर प्रोसेसर का होता है मल्टी कोर प्रोसेसर का मतलब होता है जो आप जो आपकी ए एल यू है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये जो है मल्टीपल होती है उसके अंदर अगर ये चार में क्वाडकोर दो में ड्यूल कोर और आठ में इसको ओक्टाकोर बोल देते हैं जो आपके i3, i5 या i7 प्रोसेसर हैं वो सारे क्वाड कोर से लेके ऑकटा कोर तक आते हैं और आजकल जो आ रहे हैं वो मोबाइल के अंदर भी ऑक्टा कोर वर्ड यूज़ करते हैं और ओक्टाकोर का मतलब क्या होता है कि आपकी आठ ए एल यू हैं उसके अंदर मोबाइल वाले प्रोसेसर में क्या होता है मोबाइल वाले प्रोसेसर में जो आपका जी पी यू है जो ग्राफिक यूनिट है वो साथ के साथ होती है तो आप ने देखा होगा कई बार एड्रिनो का स्नैप की ऐड आती है तो जीपीयू का भी साथ में दिखाते हैं हैं वो दिखाते है, गेम जल्दी खेल सकता है तो मोबाइल के अंदर जो है वो CLU ना होके, भी साथ आ जाता है फिर उसके बाद हम बारी बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज यूनिट की मेमोरी स्टोरेज यूनिट के अंदर जो आपने चीजें याद रखनी हैं वो याद रखना है आपने मेमोरी का पिरामिड मेमोरी का पिरामिड जो है हर एक कंपिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ तो जो मेमोरी यूनिट में आपको याद रखना है वो याद रखना है ये मेमोरी पिरामिड मेमोरी पिरामिड में जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ आओगे तो इसकी जो है वो ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो बहुत फास्ट होती है और स्टोरेज का साइज़ जो है वो छोटा होता है जैसे ही हम नीचे आ जाते हैं तो इसके अंदर स्टोरेज का साइज़ बड़ा हो जाता है और स्टोरेज की जो ऑपरेशंस करने की जो स्पीड है वो कम होती चली जाती है फिर उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है फास्टेस्ट मेमोरी में अगर सीपीयू रजिस्टर्ड मेंशन है तो सीपीयू रजिस्टर को निशान लगाना है अगर सीपीयू रजिस्टर मेंशन नहीं है तो कैसे को निशान लगाना है कैसे में अगर आपके से ये कुछ पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैशेस हैज़ द हाईएस्ट स्पीड और आपको दे दिया है एल वन और एल तो उसके अंदर आपने जो चूज करना है वो चूज करना है एल वन जो होता है वो फास्टेस्ट होता है फिर उसके बाद एल टू आता है और फिर उसके बाद एल थ्री आ जाता है फिर उसके बाद जो आती है आपकी रैम क्या होती है रैम जो होती है वो दो तरह की होती है एस रैम और डी रैम स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम ये हम डिस्कस करेंगे उसके साथ जो मोस्ट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है वो है वर्चुअल मेमोरी का क्या होती है वर्चुअल मेमोरी के ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें से आप ये सिलेक्ट नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्या करना होता है वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में हार्डवेयर के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट होती है वो आपकी जो हार्ड डिस्क ड्राइव लगाते हो उसके डिस्क के स्टार्टिंग का हिस्सा जहां से आपके डिस्क शुरू होती है जो रीड करनी शुरू होती है उसके स्टार्टिंग का हिस्सा कुछ एक हिस्सा जनरली ये आपकी रैम का एक गुना डेढ़ गुना या दो गुना हो सकता है उतना हिस्सा जो है कंप्यूटर हार्ड डिस्क पे जो भी जितना भी जहाँ से डेटा उठा के रखता है तो वो फिज़िकली रैम में ले जाने से पहले उस सरक जो हमारा जो डिस्क होती है वहाँ पर ले जाता है और उसके अंदर रखता है और फिर वहां से जब रीड राइट करते हैं तो एक्चुएटर जो हार्ड डिस्क का जो एक्टुए एक्चुएटर है वो उसको मूव करने में जल्दी टाइम नहीं लगता वो तो वो जल्दी एक्सेस हो जाता है तो इस तरीके से एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होती है बट थोरिटिकली ये क्या किया जाएगा थोरिटिकली इसको कंसिडर किया जाता है आपकी रैम की कैटेगरी में अगर क्वेश्चन डीप है उसने ये पूछा जा पूछ लिया कि विच टाइप ऑफ हार्डवेयर हैज वर्चुअल मेमोरी तो आपने हार्ड डिस्क चूज करना है वर्चुअल मेमोरी इस टाइप ऑफ अगर ये पूछा जाए तो वहाँ पर आपने रैम चूज करनी है ना कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्योंकि ये वाली चीज़ है ये एम्बिग्यूस क्वेश्चन है जिसको डिटेल में पता है वो गलत कर देगा और जिसको डिटेल में नहीं पता है ना वो ठीक कर देगा तो जनरली वो है इस क्वेश्चन को इतना डीप वाले को सही नहीं मानते वो जो इसका लाइट वर्जन है उसको ठीक मान लेते हैं तो आपने अगर वर्चुअल मेमोरी आ जाए तो टाइप ऑफ रैम करना है फिर उसके बाद आपसे बारी पूछी जाती है जो दूसरा क्वेश्चन हो जाता है वो रैम और रोम में हो जाता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या हमारी रोम है हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी रोम नहीं है हार्ड डिस्क ड्राइव जो हमारी एक स्टोरेज यूनिट है रैम में और रोम में और स्टोरेज यूनिट में क्या फ़र्क है स्टोरेज यूनिट में रीड राइट हो जाता है दोनों की कैपेबिलिटी आ जाती है रोम के अंदर क्या होता है हम रीड राइट भी कर सकते हैं रीड भी कर सकते हैं बट उसके अंदर जो राइट होगा उसका उसके लिए हमें एक जो है स्पेसिफिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा तो उस चीज़ के बारे में आपने ध्यान देना है फिर जो रोम होता है वो रैम से स्लो होता है और रैम जो होती है वो हमारी मेमोरी स्टिक होती है आज के टाइम पे तो डी यूज़ करते हैं डी का मतलब होता है डबल डेटा रेट ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा अगर हुआ तो फिर उसके बाद जो रोम होता है वो एक्चुअल में आपके जो मदरबोर्ड के ऊपर जो आई बनी होती हैं जिसके लिए आप अलग से जो कहते हैं ना ड्राइवर इंस्टॉल करते हो तो वो सारी चीज़ रोम के अंदर होती है फिर आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है वो बायोस का पूछ लिया जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक बायोस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाएगा बायोस रीसेट करना है तो जंपर सेटिंग चेंज करनी पड़ती है ये क्वेश्चन है डीप हार्डवेयर लेवल का अगर हार्डवेयर का पूछा जाएगा तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो आपने जम्पर का नाम याद रखना है चांसेस कम है पूछे जाने के पर अगर आपका एग्जाम डीप आ गया तो उसके अंदर याद रखना है जंपर को याद रखना है फिर उसके बाद जो नेटवर्क स्टोरेज यूनिट होगी स्टोरेज एरिया नेटवर्क अगर आखिर में, में मेरी नेटवर्क वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने बता रखा है फिर आपने हार्ड डिस्क का भी याद रखना होता है हार्ड डिस्क के साथ साथ आपको ओडी ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव इसको भी याद रखना है ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म जो बोल रहा हूँ इसके ऊपर पर्टिकुलरली मेरी तरफ से अगर पूछोगे तो दो क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए फिर उसके बाद अगर पूछा जाता है तो कीबोर्ड माउस इनके अंदर भी मेमोरी होती है हा इनके अंदर भी मेमोरी होती है बट जिसको इनपुट अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है ना तो इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम इसके अंदर जो है जो मेरा कीबोर्ड है उसके अंदर एक चिप लगी होती है वो भी स्टोरेज का काम करती है फिर स्कैनर कैमरा माइक वीडियो रिमोट और अदर चीज़ें आ जाती हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल भी ध्यान रखनी चाहिए बिल्कुल हद से ज़्यादा ध्यान रखनी है इसमें से सिर्फ मेमोरी में से कम से कम दो क्वेश्चन आ जाएंगे और अगर आपने ये कर लिया एक बार इसको पढ़ लिया समझ लिया तो ये सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टोरेज यूनिट था स्टोरेज यूनिट हमारा हो गया है कंट्रोल यूनिट सिस्टम में जो हमारा कंप्यूटर है उसके अंदर क्या काम करती है आपको पता है डेटा इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करती है कंपेरेटर होता है उसके ऊपर जितनी भी कैलकुलेशन करती हैं वो सारी चीज़ें करती हैं फिर आपके पास आ जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है इसकी डिटेल में नहीं जाते अनटिल एनलैस आप बच्चों को ना पढ़ा रहे हो एग्ज़ाम में इसकी डिटेल नहीं पूछी जाती है अर्थमेटिक सेक्शन क्या होता है फिर उसके अंदर अगर डिटेल में है तो ये सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है जिसके अंदर हम हाफ एडर फुल एडर मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर ये सारे पढ़ते हैं तो वो अर्थमेटिक सेक्शन का जाके पार्ट बनते हैं फिर लॉजिक सेक्शन के अंदर जो हम फ्लिप फ्लो बनाते हैं कंट्रोल लॉजिक बनाते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी फिर उसके अंदर जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसिस जो है आपने उसका ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ें किस तरीके से काम करेंगी फिर अगला क्वेश्चन जो आता है वो कीबोर्ड से रिलेटेड आ जाता है एक क्वेश्चन तो बेसिकली यही पूछा जाता है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती है तो 104 आपने याद रखनी है कहीं पर भी किसी भी तरह का हो ये आंसर आपने लगाना है फिर उसके बाद जो हमसे पूछा जाता है वो के अलग अलग कीज़ कौन सी होती है टाइपिंग कीज़ के अंदर जैसे हमारे लेटर की आ गई नंबर की आ गई फिर न्यूमेरिक पैड जो हमारे कीबोर्ड का राइट right साइड वाला हिस्सा होता है जिसके ऊपर नंबर बने होते हैं उसको न्यूमेरिक की पैड बोल देते हैं फंक्शन कीज़ ये कितनी होती हैं ये बारह होती हैं एफ़ वन से लेके एफ़ ट्व तक होती है एफ़ वन हेल्प के लिए यूज़ होती है एफ़ इलेवन जो है वो फुल स्क्रीन के लिए यूज़ होती है विंडोज़ एक्सेल और पावर पॉइंट में ये अलग अलग तरीके से हो सकती हैं अगर आपको चाहिए कि मैं आपके बेसिक की तैयारी करवाऊँ वर्ल्ड की एक्सेल की और पावर पॉइंट की तो कमेंट करिएगा बताइएगा और मैं कोशिश करूँगा फिर उसके बाद मैं जो भी ये सारी चीज़ें हैं जितनी भी यहाँ पर दिख रही हैं सारी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा और जो वर्ल्ड एक्सेल और पावर पॉइंट है इनमें से कम से कम तीन क्वेश्चन वर्ल्ड के तीन क्वेश्चन पावर पॉइंट के और करीबन जो है सात पाँच से सात क्वेश्चन जो है वो एक्सेल के आएंगे तो ये सारे आपने ध्यान रखने टी जी टी कंप्यूटर साइंस के पेपर में जो डी एस एस बी का हो रहा है उसमें ही आएगी फिर उसके बाद जो आती है हमारी कंट्रोल कीज आती हैं कंट्रोल कीज में जो हमारी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें दिख रही है उसके अंदर क्या आ जाता है कि कंट्रोल कीज में जो हमारी आती है वो कैप्स लॉक आ जाती है फिर उसके अंदर जो हमारी होम इंसर्ट डिलीट पेज अप पेज डाउन ये सारी चीज़ फिर ऑल्ट Alt, अल्टरनेट की और एस्केप की भी जो है कंट्रोल की का पार्ट होती है फिर स्पेशल पर्पस की इसमें जो स्पेशल पर्पस कीज़ होती हैं उसके अंदर एंटर शिफ्ट कैप्स लॉक नम लॉक स्पेस ये आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ जो आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीबोर्ड में टोगल स्विच कौन सी कीज होती हैं टोगल का मतलब क्या होता है एक ही बटन से अगर कोई चीज़ ऑन या ऑफ हो रही हो तो उसको टोगल कह देते हैं तो उसके अंदर जैसे हमारा नम लॉक है वो एक टोगल स्विच होता है कैप्स लॉक है वो एक ट्विगल स्विच होता है और स्क्रॉल लॉक है वो भी एक टॉगल स्विच है स्क्रॉल लॉक पहले यूज होता था बट आज के टाइम पे इतना ये यूज नहीं होता है फिर उसके बाद बात की जाती है माउस की माउस में कितनी कीज होती हैं माउस में हमारे तीन कीज होती हैं एक स्क्रॉल व्हील होता है लेफ्ट की राइट की एंड मिडल की मिडल की कैसे काम करती है जैसे आप अपने स्क्रॉल बटन को नीचे दबाते हो तो वो मिडल की करती है और मिडल की क्या करती है ऑटोमेटिक स्क्रॉलिंग करती है जैसे कि यहाँ पे अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर हो जाएगा और नीचे लेके जाओगे तो नीचे लेके जाएगा फिर उसके अंदर जो स्क्रॉल व्हील होता है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है ये भी चीज़ें याद रखनी चाहिए कि इसको नीचे की तरफ घुमा रहा हूँ तो ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ तो कौन से डायरेक्शन में आएगा इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करते हैं अगर एग्जामिनर का मन है आपके मजे लेने का इस तरीके से पेपर सेट करने का तो वो ये वाला क्वेश्चन भी डाल सकता है फिर उसके बाद जो बारी बारी आती है जॉयस्टिक की जॉयस्टिक क्या यूज़ करते हैं हम गेम खेलने के यूज़ करते हैं फिर उसके बाद लाइट पेन आ जाता है लाइट पेन जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है अगर आपने कहीं पर सेमिनार या प्रेजेंटेशन दी है तो आपके पास होता है फिर उसके बाद जो ट्रैक बोल होती है पहले जो कीबोर्ड आया था जो सबसे पहले कीबोर्ड आया था एप्पल की तरफ से उसके अंदर माउस को एज अ ट्रैक बोल दिया गया था वो कीबोर्ड के अंदर ही थी उल्टी होती थी गोल पे ऐसे 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 करके उसको मूव करना होता था फिर उसको एक अलग से डिवाइस में लेके गए तो उसके बाद माउस बना था फिर पहले वाले पुराने वाले हैं अगर आप में से कोई नाइन्टीज़ के टाइम का जिसने टू थाउजेंड से पहले कंप्यूटर यूज़ किए हैं तो आपको पता भी होगा ट्रैकबोल क्या होती है फिर उसके बाद स्कैनर आ जाता है इमेज स्कैनिंग का काम करता है फिर उसके पास डिजिटाइज़र होता है डिजिटाइज़र एक डिवाइसिस है जो जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है डिजिटर डिजिटाइज़र के बारे में सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा किस तरह का डिवाइसेस है तो ये इनपुट डिवाइसेस हैं फिर ये काम क्या करता है ये एनालॉग टू डिजिटल करता है अगर आपने नहीं देखा होगा अगर आपने किसी और की भी वीडियो देखी किसी और चैनल पर अगर आप कंप्यूटर पर जा कर देखते हैं तो वो साथ में लिखते रहते हैं और वो उसको लगता है कि माउस से लिख रहे हैं वो माउस से नहीं लिख रहे होते एक्चुअल में ये क्या हो जाता है ये पैड हो जाता है इस पैड के ऊपर जो भी हम लिखते हैं अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं एप्पल के अंदर अगर आप देखोगे तो एप्पल टैब के अंदर इसका एडवर्टीजमेंट देते हैं कि वो हम इससे अपने ड्राइंग बना सकते हैं तो एक्चुअल में ये क्या होता है ये पेन टैबलेट बोलते हैं इसको डिजिटाइज़र कहा जाता है मैं एक्चुअली पेन टैबलेट बोलता हूँ और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो अगर कोई क्लासेस व्लासेस ले रहे हो तो उसमें स्क्रीन के ऊपर लिखने के लिए साथ साथ यूज़ हो जाता है अगर आपने वन नोट के ऊपर काम किया है तो उसके थ्रू ये भी बन जाता है फिर माइक्रोफोन आपको पता है मैगनेटिक इंक कार्ड रीडर ये आपको पता होना चाहिए जो भी अगर मैं आज के टाइम पे एटीएम यूज़ करता हूँ तो हर एक एटीएम के अंदर ये यूज़ होता है मैगनेटिकिंग कार्ड रीडर जो हमारा एटीएम है उसके अंदर ये मशीन लगी हुई है और मेट्रो में सफ़र करते हो तो मेट्रो के ऊपर भी यही सारी चीज़ होती है फिर आपका आता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकगनाइजेशन तो जैसे आप अपनी ओएमआर शीट भरते हो तो वो इसके अंदर चली जाती है और वो ये चेक कर लेता है फिर बार कोड रीडर हर कोई जानता है ऑप्टिकल मार्क रीडर जो होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर में ये आ जाता है कि आपका जो कोई पेन से मार्क बना हुआ है इसका जर्नली यूज जो है वो बैंकिंग में किया जाता है और ये क्या करता है जैसे आपका जो कोई बैंक चेक अगर आप इशू करते हो और उसके ऊपर जो साइन करते हो तो उसको इसके थ्रू मैच किया जाता है फिर उसके बाद जो आपसे अगली चीज़ पूछी जाती है वो आ जाती है प्रिंटर की सॉरी मॉनिटर की मॉनिटर के अंदर जो आपसे पूछा जाएगा वो कैसे कैसे होते हैं दो तरह के होते हैं सीआरटी होता है फ्लैट पैनल होता है सीआरटी आर टी हो ट्यूब जो मोटे वाले प्रिंटर होते थे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन गन होती थी इलेक्ट्रॉन गन से चलती थी ये पुराने टाइम का होता था पहले टीवी भी आते थे ऐसे बोला जाता था इनके पास नहीं बैठना चाहिए आंखें खराब हो जाती हैं क्योंकि इसमें से डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन फायर होते रहते थे और वो डायरेक्ट आँखों पर असर करते थे तो इससे कम से कम हमें जो है वो तीस सेंटीमीटर दूर बैठना चाहिए था ताकि हमारे आँखों की रोशनी ख़राब ना हो और इसका जो पावर कंजम्पशन है वो इलेक्ट्रॉन फायर हो रहा आप हर टाइम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके टाइम पे बहुत ज़्यादा देनी पड़ती थी फिर फ्लैट पैनल है आज के टाइम पे तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है एलईडी एलसीडी डी एल सी ओलेड एम ये अलग अलग तरह की टी एफ वी जो हमारे पास जो है अलग अलग तरह की स्क्रीन आ गई है तो इसमें से जो आपने याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो एल ई डी है उसकी फुल फॉर्म है जो एल सी डी है उसकी फुल फॉर्म है फिर इसके साथ साथ जो आपने एक चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है जो अमेज़ोन का किंडल होता है वो एल सी डी यूज़ करता है और उसके अंदर जो है वो ऑप्टिकल कैसे बनाता है जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो क्या कर देता है जो लाइट को यूज़ करके ब्लैक एंड वाइट दो इंक होती हैं तो उसको यूज़ करके वो सारी चीज़ें करता है तो अमेज़ॉन किंडल के बारे में स्पेशलिटीज़ है उसके जो ग्राफिक होता है उसके बारे में बाकी आपने एलसीडी, एलईडी क्या होता है किस तरीके से काम करता है इसके बारे में डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रिंटर कितने होते हैं प्रिंटर दो तरह के इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है जब कागज़ के ऊपर इम्पैक्ट हो नॉन इम्पैक्ट का मतलब है जहाँ पर जो प्रिंट करने वाली चीज़ है उसके और कागज़ के बीच में जो है वो आपस में इंट्रैक्शन नहीं होता है तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इम्पैक्ट मतलब ऐसे ठोकना है तो वो ठोकने वाले प्रिंटर क्या थे पुराने टाइम के होते थे नॉन इम्पैक्ट जो आज के टाइम पर चल रहे हैं फिर जो इम्पैक्ट प्रिंटर थे उसमें क्या थे जैसे ही आपका पेपर जो है फट 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 हो रही है और बहुत ज़्यादा होती है तो जनरली आपका पेपर जो आता था इसमें से आता था वो गर्म हो जाते थे बहुत आवाज़ करते थे अगर आपने रेलवे की टिकट कट कर, कर, कराई है तो आपको पता है वो एक प्रिंटर चलता रहता है चर, चर 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 तो वो क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है फिर उसके अंदर जो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के थे एक था एक लाइन था जिसमें एक लाइन पूरी एक लाइन को एक साथ प्रिंट कर देता था कैरेक्टर में एक एक प्रिंट होता है टाइपराइटर जो है इसका एग्जांपल है फिर जो रेलवे स्टेशन पर यूज़ हो रहा था वो था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसके अंदर क्या होता है प्रिंट करने के लिए मल्टीपल पिन लगी हुई होती हैं जैसे 16 पिन लग गई तो वो 16 पिन से ही हर एक कैरेक्टर में कुछ एक पिन को आगे करके एक कैरेक्टर बना देगा कुछ एक को पीछे करके एक करेक्टर बना देगा और ये काम इस तरीके से होता था डे व्हील में क्या होते थे नंबर एक जैसे ए बी सी डी है या वन टू थ्री है वो एक व्हील के ऊपर हैं तो जो से जो प्रिंटिंग चाहिए वो सामने आ जाएगा और उसको प्रिंट कर दिया जाएगा तो इस तरीके से प्रिंटर होते थे फिर उसके बाद एडवांटेज डिसएडवांटेजेस के चांसेस कम हैं फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हो गए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेज़र प्रिंटर हो गए इंक जेट हो गए लेज़र में क्या होता है आपकी जो इंक है वो ड्राई होती है जैसे आपने अभी देखा होगा जो फोटो सेट वाली मशीन होती है तो उसके अंदर जो होती है वो लेज़र प्रिंटिंग होती है लेज़र प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है एक सिलेंडर के ऊपर वो है पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कर देता है लेजर से राइटिंग होती है और जैसे ही वो इंक से लगेगा दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वो उसके साथ चिपक जाती है और फिर बाद में पेपर के ऊपर उसको जो है वो चिपका दिया जाता है तो इस तरीके से लेजर प्रिंटर काम करता है इंक जेट प्रिंटर जिसमें इंक स्प्रे होती है तो अगर इंक स्प्रे होगी तो आपके ऊपर जो है जैसे उसको बाद में आप पेज को छेड़ोगे तो वो ख़राब भी हो जाती है और लेज़र प्रिंटर में जो पूछा जाता है जो क्वेश्चन जो होता है वो एक्सपेंसिव इनएक्सपेंसिव होते हैं बट जो कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग होती है वो उसमें वो ज़्यादा होती है क्वालिटी से अच्छी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जो इसके बारे में फिर जो था कैश मेमोरी था कैश मेमोरी मैं आपको बता चुका हूँ कि कैश मेमोरी के ऊपर आपने ध्यान रखना है मेमोरी कितने तरह की होती है मेमोरी जो होती है हमारी तीन तरह की होती है प्राइमरी या मेन मेमोरी हो जाती है सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है मेन मेमोरी के अंदर हमारा आ जाता है रैम रोम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज यूनिट आ जाती है एच आ जाता है ओ आ जाता है पेन ड्राइव आ जाता है माइक्रो एस कार्ड आ जाता है कैश मेमरी वर्चुअल मेमोरी ये सारी चीज़ें आपने जो है वो याद रखनी है फिर उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मदरबोर्ड क्या होता है तो मदरबोर्ड वो कंपोनेंट होता है जिसके ऊपर जितने भी सीपीयू वाले कंपोनेंट हैं वो हाउसड होते हैं और वो सारी चीज़ रैम रोम जितना भी होगा सी जो होगा जो आपका प्रोसेसर होगा और जो आपका प्रोसेसर होगा वो उसके ऊपर लगेगा फिर कैरेक्ट्रिस्टिक ऑफ मेन मेमोरी इसमें क्या होती है? फिर मेन मेमोरी आ गई ये दो तरह की होती है एक वोलाटाइल आ जाती है एक नॉन वोलाटाइल आ जाती है वोलाटाइल का मतलब है जिसके अंदर जो है अगर जैसे ही पावर चली गई हमारा जो है वो डेटा जो है वो स्टोर नहीं रहेगा वो इरेज हो जाएगा फिर नॉन वोलाटाइल का मतलब है अगर लाइट चली भी जाए तो वो जो है अपने डेटा को होल्ड करके रखता है जो एन वी रैम आ रही है वो होती है नॉन वोलाटाइल रैम जिसको आजकल यूज़ किया जा रहा है ऑप्टेन मैम रैम के नाम से जो इंटेल है वो इसको ऑप्टेन रैम के नाम से यूज़ कर रहा है जो एन वी रैम होती है और जो मोबाइल के अंदर यूज़ होती है वो एन वी रैम ही होती है उसमें रैम यूज़ नहीं होती है तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी फिर एस एस डी होती है आपकी एक सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसके अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरी होती है उसके अंदर आईसी कह लो ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरी कह लो वो सारी चीज़ें हैं सेकेंडरी मेमोरी में जो आती है आपकी वैसे आ जाती है नॉन वोलटाइल हो जाती है हाईली स्टोरेज होती है लो स्टोरेज स्पीड होती है तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ सकती हैं फिर दो तरह की मेमोरी होती है एक होती है स्टेटिक रैम और एक होती है डायनेमिक रैम इन दोनों में से जो फास्टेस्ट थी वो थी स्टेटिक रैम क्योंकि इसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरी थी और इसमें जो है आज के टाइम पे जो आती है वो कैपेसिटर बेस्ड मेमोरी आती है और DDR जो है वो डायनेमिक रैम की जो है वो टाइप है डी डी आर वन टू डी डी आर थ्री और करंटली जो अभी चल रही है वो डी डी आर फोर चल रही है उसमें डी डी आर का मतलब क्या होता है डबल डेटा रेट फिर स्टैटिक रैम फिर उसके बाद जो आपका से अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो क्या होता है रोम का रोम क्या होता है रीड ओनली मेमोरी फिर उसके बाद रोम के टाइप जो होते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएगा ही आएगा मैं इसके बारे में आपको अश्योर करा सकता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है टाइप्स ऑफ रोम वो एग्ज़ाम में आना ही आना है क्योंकि रोम के बारे में सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं रोम के बारे में थोड़ी सी एडवांसमेंट आई है कि रोम कैसे होता है फिर इसकी जो है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आएगा वो फुल फॉर्म का आ जाएगा या इनकी फुल फॉर्म जो दे दी है उसमें से किसी एक में मिस्टेक होगी वो आपको ढूंढनी होगी तो एम रोम हो जाता है मार्क्स रोम हो जाता है पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई पी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ई ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है इसकी डिटेल में नहीं जाना है कि किस में कौन सा प्रोसेस होता है कौन से किसके थ्रू जाएगी वो डिपेंड करेगा अगर क्वेश्चन बनाने वाला चाहता है आपके लिए रियली हार्ड क्वेश्चन बनाना तो वो इसके डिटेल में चला जाएगा वरना टी लेवल के लिए तो इसमें से सिर्फ डेफिनेशन के अलावा और कुछ नहीं आएगा फिर उसके बाद मदरबोर्ड हो गया मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर कौन से हो सकते हैं इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता है मदरबोर्ड क्या काम करता है फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाएगा वो आएगा आपकी स्टोरेज यूनिट के बारे में स्टोरेज यूनिट कैसे होती है उसमें आपने एक एम बी जी बी के बी टी बी ये सारी जो चीज़ें हैं वो याद रखनी है बेसिक है जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर हैं उनको ये सारी चीज़ें जो है मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ कि जितना भी सारा है अगर आपको वो एक इमेज भी आपने याद है तो वो आप सारे क्वेश्चन जो कर लोगे फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक्चुअली डाउटफुल आ जाता है वो आता है निबल के बारे में कि निबल जो है वो चार बिट का ग्रुप हो जाता है बाइट क्या होती है एक वर्ल्ड क्या होता है तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं आई नो आपको पता है ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है पेटाबाइट जैटा बाइट फिर उसके बाद ये सारी चीज़ याद कर रखनी है फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है पोल्ट क्या होती है पोर्ट मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए उसमें एक वीडियोस है जिसके ऊपर मैंने डिटेल में कंप्यूटर खोल के बंद करके और सारी चीज़ों के बारे में बताया था तो उसके अंदर पोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन है अगर आपको डीप में जानना है पोर्ट क्या होती है और अपना कंप्यूटर कैसे सेटअप कर सकते हैं तो पोर्ट क्या होता है कम्युनिकेशन पॉइंट होता है जहाँ से कंप्यूटर के अंदर डेटा आ सकता है और जा सकता है क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पॉइंट से अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है तो वो एक पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होगा तो पोर्ट के अंदर क्या हो जाएगा फिर सारा डेटा आ जाएगा फिर किस तरह की क्या पोर्ट होती हैं वो ये वाली इमेज जो है मैं अपने ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ ये वाली आप पढ़ लेना इसमें से सीरियल और पैरेलल पोर्ट कौन सी होती हैं पोर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है आपका ए जी पी पोल्ट कौन सी होती है ये सारी चीज़ें जो हैं हाँ आपने वो ध्यान रखनी है कि फिर इसमें मेल मेल पोर्ट फीमेल पोल्ट भी हो जाता है मेल पोल्ट जिसमें कोई भी पिन लगती है जो किसी दूसरे के अंदर घुसती है और फीमेल जिसके अंदर होल बना होता है ये बेसिक लॉजिक बनाया हुआ है ये मैं ये आगे से लॉजिक बना हुआ है मेल फीमेल पोर्ट के ऊपर कि कौन सी किसको मेल किया जाएगा किसको फीमेल किया जाएगा पी एस टू की फुल फॉर्म है यू एस बी की फुल फॉर्म है वी जी ए की फुल फॉर्म है पावर कनेक्टर फायर वायर पोल्टे पहले यूज़ होती थी आपके टाइम पे, तो ये नहीं यूज़ होती है आज के टाइम पे जो एच के वेरिएंट है उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर कोई एडवांस लेवल पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछने पे आ जाएगा तो एच पोर्ट के वर्जन जो है जो मिनी एच आ रही है और एच डी ए पोर्ट आ रही है उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो एच में पूछा गया था हरियाणा का जो अभी हुआ था दो में दो जनवरी दो में कि इधरनेट पोर्ट का नाम क्या होता है इसको लैंड पोर्ट भी कह देते हैं इसको आरचे फोर्टी जैक भी कह देते हैं फिर आपने एक चीज और ध्यान है कि जैक होता आठ पिन का और आर जे इलेवन होता है वो होता है दो पिन का तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है जो RJ11 इलेवन है वो टेलीफोन के लिए यूज होता था और RJ45 फोर्टी फाइव जो है वो ए, इंटरनेट के लिए यूज़ होता है और आर जे फोर्टी फाइव अगर मेरे को इंटरनेट चलाना है तो कम से कम कितनी जो पिन है वो एक्टिव होनी चाहिए तो उसका आंसर है चार के कम से कम चार एक्टिव होनी चाहिए बिना चार के इंटरनेट नहीं चलेगा अगर एक नेट वायर में अगर चार पॉइंट भी लगे हुए हैं तो भी मेरा जो है नेट जो है वो चल जाएगा फिर उसके बाद गेम पोर्ट होती है कंसोल पोर्ट हो जाती है डी वी आई एच डी एम आई फिर सॉकेट क्या होता है के जिस भी तरह से कोई भी सॉकेट में कनेक्ट कर लेता हूँ फिर उसके बाद इंटरनल कंपोनेंट इनपुट डिवाइसेस के वो सारे क्या होते हैं फिर बेसिकली अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है एच डेट में पूछा गया था कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ हार्डवेयर अमंग दैम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर अमंग दैम तो आई होप आई थिंक आप ये क्वेश्चन कर सकते हो हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको छूया जा सकता है सॉफ्टवेयर वो वाला पार्ट जिसको छू नहीं सकते तो ये बेसिक जो है एक बेसिक ही मतलब होता है जो आपने चीज़ें याद रखनी है फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके अंदर आपने याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वीडियो बनाई है वो देखिए सॉफ्टवेयर की जो वीडियो बनाई है वो देखिए डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है वो डिटेल में आप देखिएगा डिटेल में देखेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा उसके अंदर जैसे इसमें तो हमारे पास जो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्ट फ्रमववेयर वो सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं एंड आई होप आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो और वो वाली वीडियो के बारे में आपको पता है फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बेसिक एक डेफिनेशन है वो सारी चीज़ें याद रखनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के जो काम होते हैं वो होते हैं मैनेजमेंट के फाइल मैनेजमेंट ऑपरेशन में प्रोसेस मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट डिस्क मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और बेसिकली आपको यही पर बताया जाता है कि जो इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है बिटवीन अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं बट डीप डाउन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको खुद पता है कि इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो क्या है जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ऑपरेटिंग सिस्टम की वो मैंने वीडियोज़ में बनाई हुई हैं वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेनेशन हो जाए और उन सबका लिंक जो है आपको यहाँ हाईलाइट होता हुआ दिखेगा और वो ज़रूर देख लेना दे। फिर उसके बाद विंडोज़ है विंडोज के वर्जन कौन कौन से थे किस टाइम पर कौन सा आया था आज के टाइम पर यूज कौन सा हो रहा है बहुत पुरानी बुक से अगर कोई क्वेश्चन उठाएगा तो वो ये क्वेश्चन उठ सकता है इसके अलावा फिर आपका जो माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस है पावर पॉइंट है वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी अगर आप चाहते हो कि मैं वर्ड को एक्सप्लेन कर दूं कंप्यूटर बेसिक आपको समझा दूं पावर पॉइंट की सारी चीज़ें बता दूं कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसे ही एक्सेल ही क्वेश्चन बता दूं तो कमेंट कीजिएगा क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो जानना चाहते हैं और अगर आपको नहीं ज़रूरत है तो मैं उसके ऊपर कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि वो बेसिक चीज़ें हैं आपको बेसिक हर एक जगह से मिल जाएगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में ये कोई पता चल गया होगा कि क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे तो किस तरीके से पूछे जाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कितना ज़रूरी है ये वाला चैप्टर अगर आप इसके ऊपर चार पाँच घंटे दे रहे हैं तो वो टाइम देना बेवकूफ़ी होगी सिर्फ आपने एक बार ये वाली वीडियो देखनी है और उसके बाद आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा तो आई होप आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा और आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू, यू फॉर वॉचिंग